प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी संसदीय सीट वाराणसी से करेंगे नॉमिनेशन फाइल। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 80 घाट पर गंगा में लगाएंगे डुबकी। उनके नामांकन को बीजेपी ने एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया है। नामांकन के समय आज प्रधानमंत्री के साथ 18 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी। वाराणसी में मौजूद रहने वालों में बीजेपी के सहयोगी दलों के 6 प्रमुख भी होंगे। और आपको जानकारी दें कि पीएम मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान पूरा काशी मोदी में नजर आया। पीएम मोदी ने रोड शो की शुरुआत से पहले मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो पीएम मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी सीट पर वोटिंग 7वें और 8 आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को होगी, जबकि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। तो आपको बताते चले कि आज कई नेताओं का जमावड़ा रहेगा इस दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नॉमिनेशन फाइल, तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और बताते चलें कि यहाँ पर तस्वीरें जो आपके सामने हम रख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को लेकर गोदौलिया चौराहे पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुँचे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका यहाँ पर स्वागत किया है। और बताते चलें आपको कि माँ गंगा को नमन कर स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह करीब 9 बजे का वक्त होगा जब पीएम दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा को नमन करेंगे। पूजन यहाँ पर किया जाएगा उनकी ओर से। आपने देखा तस्वीरें कि किस तरीके से जब काशी विश्वनाथ के मंदिर भी पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पूजा अर्चना की, स्नान भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से क्रूज से नमो घाट तक जाना भी उनका प्रस्तावित है। तो पीएम मोदी के नामांकन में 18 मंत्री मौजूद होंगे, 12 मुख्यमंत्री मौजूद होंगे।